अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अभाज्य संख्या। एक धन पूर्णांक p अभाज्य संख्या है यदि p एक के बराबर नहीं है और p का धन पूर्णांक भाजक केवल एक और p है। दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह पहले कुछ अभाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या। एक के अलावा हर धनात्मक पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है भाज्य संख्या कहा जाता है। एक समग्र संख्या को इसके गुणांकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये गुणांक अभाज्य या भाज्य संख्या हो सकते हैं। यदि यह भाज्य संख्या है तो इसे फिर से दो गुणकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और एक चरण पर हम सभी गुणकों को अभाज्य पाएंगे। चलो हम एक समग्र संख्या लेते हैं, उदाहरण के लिए 156। आओ देखते हैं यदि हम अन्य प्राथमिक संख्या 3 से विभाजित करना शुरू करते हैं तो हमें क्या मिलता है। दोनों स्थितियों में प्राथमिक संख्याएं समान हैं, केवल उनके प्रकट करने का क्रम अलग है। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हर समग्र संख्या का प्राथमिक संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंड किया जा सकता है और प्राथमिक गुणनखंड जिस क्रम में होते हैं उनसे अलग यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। महत्वपूर्ण परिणाम। म स प गुणा ल स प बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। उदाहरण एक, 9720 को प्राथमिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। हल, 9720 को भाग किया 2 से, हमें मिला 4860, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 2430, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 1215, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 405, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 135, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 45, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 15, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 5, जिसे 5 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें 1 मिलता है। इस प्रकार 9720 बराबर 23 गुणा 35 गुणा 5। उदाहरण 2, प्राथमिक गुणनखंड विधि से 336 और 54 का म स प और ल स प पता करें। हल, 336 को भाग किया 3 से, हमें मिला 112, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 112 को भाग किया 2 से, हमें मिला 56, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 56 को 2 से भाग किया, हमें मिला 28, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 28 को भाग किया 2 से, हमें मिला 14, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 14 को 2 से भाग करने पर हमें मिला 7, जिसे फिर 7 से भाग किया जा सकता है, हमें मिला 1। 336 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 को भाग किया 2 से, हमें मिला 27, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है। 27 को 3 से भाग करने पर हमें मिला 9, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है। 9 को 3 से भाग करने पर
हमें मिला 3, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है। 3 से 3 को भाग करने पर हमें मिला 1। 54 = 2×3³। म स प यानी 336, 54 बराबर हर उभयनिष्ठ प्राथमिक गुणनखंड के न्यूनतम घातांक का गुणनफल बराबर 2×3=6। ल स प 336, 54 बराबर संख्याओं में शामिल हर प्राथमिक गुणनखंड के अधिकतम घातांक का गुणनफल बराबर 2^4×3^3×7^1=3024।